वीडियो ये रीजन यही है, परसों एक क्लाइंट ने मुझे अपना एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाया जिसमें शो हो रहा था उनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? शायद मार्जिन से दो ज्यादा, पांच होना चाहिए, सात है। तो उन्होंने मुझे बोला क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको बोला ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये वीडियो का रीजन यही है कि जो लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं और शो होता है कि उनका यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, कोई सिम्टम भी चालू नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ा है ब्लड टेस्ट में आया, वो लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना प्रोटीन बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि सबका रीजन के पीछे प्रोटीन ही है, जो ये बंद करूंगा तो मेरा जो यूरिक एसिड लेवल है वो नीचे आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इट्स ऑल अबाउट प्यूरिन नॉट प्रोटीन। प्यूरिन की वजह से प्यूरिन बॉडी में रहता है, अगर इसका मात्रा ज्यादा हो गया, किडनी फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है, तो आपका ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है। ओके, यूरिक एसिड प्यूरिन से यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड ब्लड में पाए जाते हैं, फिर वो किडनी फ्लश आउट करके निकाल देता है। लेकिन अगर किडनी का ही प्रॉब्लम है तो फ्लश आउट कैसे कर पाएगा? बहुत सारा मिथ है इसको लेके, यूरिक एसिड को लेके। अगर आपका प्यूरिन, बहुत बोलते हैं कि रेड मीट से ज्यादा आता है, फिश से ज्यादा आता है, कोई भी फिश हो एक्सेट्रा आता है, ये सही बात है, लेकिन प्यूरिन डेवलप होना, प्यूरिन का मात्रा ज्यादा बढ़ना सिर्फ प्रोटीन के वजह से नहीं होता, बहुत कुछ रीजन होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं, जो एल्कोहलिक होते हैं, जो ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी आपके बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ सकता है, और ये 99% चांसेस है कि आपका प्यूरिन लेवल बढ़ेगा उसमें। बहुत जिन करते क्या है, जैसे ही उनका यूरिक एसिड बढ़ गया, तुरंत प्रोटीन बंद कर देते हैं, दाल बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, प्रोटीन सोर्सेस ही नहीं, बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि उसी से उनका बढ़ा है, लेकिन ये नहीं है, उससे नहीं बढ़ता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। फर्स्ट अल्कोहल हो गया आपका, अब ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो आपका प्यूरिन लेवल बढ़ेगा, जो ब्लड में क्या होगा, उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। दो, फॉर एग्जाम्पल, आप फास्ट कर रहे हो, मैं फास्टिंग पे हूं, मैं एवरी वीक 3-4 दिन फास्ट करता हूं, 2 दिन फास्ट करता हूं, चलो ले लो। और उससे क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स लेता हूं फास्ट में, बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या होते हैं, ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोस। तो फ्रुक्टोस एंड ग्लूकोस क्या होता है, प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, कि इतना इतना लेते हैं ना लोग, उससे प्रॉब्लम होता है। तो कार्ब से, फ्रुक्टोस से, ग्लूकोस से प्रॉब्लम होता है, ना कि प्रोटीन से। मतलब आपका जो बढ़ रहा है आपका यूरिक एसिड ब्लड में, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपका फ्रुक्टोस यहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, राइट? आप ज्यादा फ्रुक्टोस ले रहे हो, ज्यादा आप फ्रूट्स ले रहे हो, ज्यादा कार्ब्स ले रहे हो, वो आपका क्या करेगा, अंदर जाके प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीन, अगर आपका जेनेटिक ही आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके माँ बाप दादू जो भी नाना नानी होते हैं उनके, तो आप क्या करेंगे? तीन हो गया ये। चार, फॉर एग्जाम्पल, जिसको हाइपोथायराइड है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना डाउन हो जाता है, उसके वजह से भी प्यूरिन लेवल बढ़ता है, वो कुछ कर ही नहीं पाते यार, उनका बॉडी का फंक्शन ही खराब रहता है, इसलिए। तीन हो गया। डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक टैबलेट लेते हैं, डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं, उनके वजह से भी बॉडी में प्यूरिन लेवल बढ़ता है, और नेचुरली ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल, आपके बेली में फैट बहुत ज्यादा है, आपका किडनी के साइड में फैट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से आपका किडनी फंक्शन उतना अच्छे से काम कर नहीं पाता। बात को समझो, अगर आपका बेली में, आपका किडनी के आसपास फैट बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका किडनी प्रॉपर तरीके से फ्लश आउट नहीं कर पाएगा प्यूरिन को, उसकी वजह से भी आपका प्यूरिन लेवल ज्यादा आएगा, एंड नेचुरली आपका यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा पाया जाएगा। तो आपके बेली पे ध्यान दो, आप बेली फैट पे ज्यादा ध्यान दो, वो अगर रिड्यूस करोगे तो ही किडनी अच्छे से प्रॉपर काम पर विषय पे गौर करना होगा, कुछ कुछ चीजों पे। जैसे आपके बेली फैट अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका किडनी के आसपास जो फैट जमा हो रहेगा वो रिड्यूस होगा, और आपका किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, फ्लश आउट कर पाएगा। हो गया तीन, हो गया बहुत ही बहुत ही ज्यादा जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, एक्सेसिव, बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं
बहुत ज्यादा 4 टाइम 5 टाइम 3 टाइम ज्यादा ज्यादा 200-200 गर्म करके रेडीमेड वेडमीट वगैरह लेते हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं उनके बाद अलग, तो उसके वजह से बॉडी में प्यूरिन ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आपका किडनी फंक्शन प्रॉपर है, आप खाओ प्रोटीन, वो फ्लश आउट करेगा, उसका काम ही है फ्लश आउट करना, तो करेगा। अगर आपका किडनी खराब है यार, आप कैसे करोगे? मशरूम को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, मशरूम से बहुत ही ज्यादा प्यूरिन लेवल बढ़ता है, मशरूम को एकदम ही अवॉइड करना है। एंड आपका बेली में अगर फैट ज्यादा हुआ तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है, उसके वजह से भी आपका प्यूरिन लेवल बढ़ेगा। ये पूरा रीजन सिर्फ प्रोटीन के बेस पे नहीं है, प्रोटीन की वजह से प्यूरिन नहीं बढ़ता, इतने सारे रीजन है प्यूरिन लेवल बढ़ने का। तो आपको रेक्टिफाई करना है आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने बोला सब बंद कर दो यार, दाल बंद कर दो, चना बंद कर दो, प्रोटीन बंद कर दो, फिश बंद कर दो, एग्स चिकन सब बंद कर दो, खाऊंगा क्या, प्रोटीन सोर्स मिलेगा कहां से यार। तो इसको ध्यान पे रखो। आई होप ये वीडियो आपको मिथ क्लियर करे। एंड नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, आपका प्यूरिन लेवल अगर बढ़ा है उसको कम करने के लिए क्या करना है मैं बनाऊंगा। आज का वीडियो यही था कि आपके बॉडी में अगर प्यूरिन लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है, उसका रीजन सिर्फ प्रोटीन नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट प्रोटीन, इट्स अबाउट प्यूरिन। और प्यूरिन प्रोटीन के वजह से ही सिर्फ नहीं बढ़ता, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से आपका ब्लड में प्यूरिन बॉडी में प्यूरिन ज्यादा पाया जाएगा और ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।